धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। डॉक्टर ही है जो आज वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात अपने घर से अपने परिवार से दूर रहकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मरीज भी महामारी के दौर में डॉक्टरों की मरीजों के प्रति सेवा भाव मेहनत देखकर उनकी तारीफ करते शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। ऐसे तमाम उदाहरण देश के कोने कोने में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज उत्तर रेलवे के मंडलीय चिकित्सालय में, जहां से कोविड 19 से जंग जीत कर डिस्चार्ज हुए मरीज का कहना है कि महामारी के दौर में तमाम तरह की अफवाह फैली है कि डॉक्टर व चिकित्सीय स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीजों को अनदेखी कर रहे हैं, उनको सही उपचार नहीं दे रहे हैं। यह पूरी तरीके से गलत है। मैंने खुद देखा है कि डॉक्टर कैसे दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करते हुए मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं की सेवा की बदौलत जो आज हजारों कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीतकर अपने परिवार के साथ पहले जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भी कोरोना संक्रमित हो गया था, मुझे रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ ने जी जान लगाकर मुझे स्वस्थ किया। रेलवे के डॉक्टर पर वह स्टाफ बहुत अच्छा और अच्छे से मरीज की देखभाल कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हमें नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर का सम्मान करें। मेरा शीला रस्तोगी, मेरे हस्बैंड विपिन रस्तोगी, रेलवे हॉस्पिटल। इस टाइम तो उनकी ये कंडीशन है, जैसे इनकी वो जो ऑक्सीजन लेवल जो है 91 और 92 चल रहा है, नहीं तो उस समय था हमारा 88 और 89। ट्रीटमेंट तो वैसे सही मिल रहा है इनको, यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है। वैसे स्टाफ ने हमारी बहुत हेल्प करी है। हाँ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस जैसे कि मैं जो हूँ ना, थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने अटेंडेंट रख छोड़ाए हैं, क्योंकि वो ना थोड़ी बिस्तर पे पार्टी वटी भी कर लेते हैं डाइपर में, इसलिए मैं नहीं कर सकती कुछ भी। सब बहुत बढ़िया। हाँ डॉक्टर साहब, अभी तो इनका 91 और 92 ही चल रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है लेवल जो है। हाँ बस जैसे खड़े नहीं हो पाते, हो रहे हैं ही, बस ये वीकनेस बहुत है। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा असलम है, मैं रेलवे में जॉब करती हूँ, CMP हूँ। यहाँ के पेशेंट कोविड रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं, जो SRCT से भी है, एक्टिव हैं, तो उससे भी पेशेंट आ रहे हैं। बाकी क्या है कि RT-PCR होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर HRCT भी हम करा रहे हैं उसमें भी कोविड डिटेक्टेड हो रहा है, इस वजह से हम एडमिट भी कर रहे हैं। जो WHO गाइडलाइंस है वही हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। काफ़ी पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं, और बाकी पेशेंट जो रेगुलरली आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बस ऊपर वाले का है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आज अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे खड़ा करा है, और बाकी उनको ट्रीटमेंट दिया मैंने अपना ही सोच कर, अपना समझ के, कि ये हमारे हाथ में नहीं, बस ऊपर वाले के हाथ में है। अल्लाह पाक ने एक ज़रिया बनाया है हमें, और उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे स्टाफ की तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे रेगुलरली फ़ोन करते हैं, और भी मेरे पेशेंट अंडर हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनको बाय वन बाय ट्रीटमेंट भी बताती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं इसको अपना कर्तव्य समझती हूँ एक तरह से। जी जी, उनकी भी कंडीशन पहले से बेटर है, उनके पापा पॉजिटिव आए थे तो फिर वो यहाँ एडमिट हुए, उसके बाद उनकी बेटी भी एडमिट हुई है, बट उनका बेटा है अब, वो उनको वो होम आइसोलेट करा रहे थे, वो भी मेरे अंडर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी एक्चुअली अभी जब स्टार्टिंग में मार्च में ये कोविड स्टार्ट हुआ था, तो मेरे फादर भी कोविड के शिकार बन गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत दौड़ी भागी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं हॉस्पिटल लेके भी गई, बहुत सारे हॉस्पिटल गई, फिर मैंने वहाँ नोएडा फोर्टिस में एडमिट कराया। बट मैं ये चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे फादर के साथ ये हुआ है तो बिकॉज़ ऑफ अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के हाथ में था जो भी है। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती कि किसी ने ये करा, जैसे आज तक खबरें फैल रही हैं
कि वहाँ से ये हो गया है, डॉक्टर्स ने ये कर दिया है, नर्स ने ये कर दिया है, अच्छा सुझाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के परे जितनी ज़िंदगी लिख दी उतनी ही थी। बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जान पे खेल कर ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर उनको ऑफ नहीं मिलता है, उनको ड्यूटी का जो भी अगर रेस्ट लेना चाहते हैं वो नहीं, 24/7 लगे रहते हैं। उसके बाद क्या, तो उनको रेस्ट मिलता है, उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का यहाँ पर इसमें कुछ बुरा सुझाव है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, वो टेस्ट नहीं करा रहे तो टेस्ट मत कराइए, सिम्टम्स आ रहे हैं तो होम आइसोलेट हो जाइए, दूसरे से कनेक्ट नहीं होइए, ठीक है। और बाकी जो होम आइसोलेट मेडिसिन चल रही है वो ले सकते हैं, और अपने डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बाकी पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम अनिल है, मैं एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं और सस्पेक्टेड भी आ रहे हैं, जिनको सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जिनका SpO2 लेवल कम है, 90 से कम है, 85 से कम है, वो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हाँ, पेशेंट हैं, पेशेंट कंटेंडर सब सेटिस्फाई हैं, यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, HA वगैरह अच्छा ट्रीटमेंट, डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट टाइम से होता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन है। हाँ जी, स्टाफ का ये बहुत अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें पेशेंट की केयर करने की और शक्ति मिलती है हमें। हाँ हाँ, मनोबल बढ़ता है हमारा। मैसेज ये है मेरा कि अपना प्रिकॉशन लेके चलें, सभी मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइज करते रहें, और वैक्सीनेशन का टाइम आने पर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं उस टाइम में। मेरा नाम गुलाब सिंह, मैं रिटायर्ड रेलवे से है, TT हूँ। मेरे को 23 तारीख को बुखार आया था, 101 बुखार था, 24 को भी नहीं उतरा, 25 को भी नहीं उतरा, मैं घबरा गया, और पल्स रेट भी कम हो गया मेरा, ऑक्सीजन भी, तो मैं रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो और उसके बाद 2 दिन तक मैं संघर्ष करता रहा, डॉक्टर हुमायरा के ट्रीटमेंट में रहा, बहुत ख्याल रखा उन्होंने, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, और पॉजिटिव जो हमें कहा कि आप चिंता न करें, आप बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे, और वही ताकत हमें मिली कि हम तीसरे दिन हमारा ऑक्सीजन लेवल 91 से ऊपर चलने लगा, और उस खांसी है, बाकी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट रहा, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा। और जैसे अब बाएँ मैं सुन रहा हूँ नेगेटिव आवाएँ आ रही हैं, वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, किडनी निकाल रहे हैं, ये हमने तो रेलवे हॉस्पिटल में देखा कि एक एक मिनट सोए नहीं ये लोग, डॉक्टर लोग ना, नर्सिंग स्टाफ, और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा इनका, कि बस इन्हीं की मेहनत का फल है कि आज हम स्वस्थ बैठे हुए। मेरे सामने वहाँ पर लगभग 15 पेशेंट आए गए मेरे बीच में, 7 तारीख को वापस आया हूँ, 27 से 7 तक रहा, तो लगभग 15-20 पेशेंट आए, और ज़्यादातर ठीक होकर गए, बढ़िया, बहुत अच्छी स्वास्थ्य है, और बहुत खाना पीना सब चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया, फिल्टर पानी था, और जो है सैनिटाइजेशन बहुत बढ़िया था, और बहुत सफाई थी, और बहुत स्टाफ तो ऐसा था कि अगर रात को हमें अगर जरा सी भी दर्द हुआ कहीं और हमने कहा तो तुरंत ही आ गए वो लोग, और तुरंत ही उन्होंने वो दवाई हमें प्रोवाइड कराई। डॉक्टर बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हमारा, बहुत ही अच्छी डॉक्टर, और मैं तो दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि जो है कि जैसे उन्होंने हम लोगों की मदद की है, अल्लाह उनकी मदद करे। परिवार में 4 लोग हैं, 4 संक्रमित हैं, लेकिन जो होम आइसोलेट हैं मैं बहुत ही दवा सकता हूँ। ये रेलवे डॉक्टर है जी? हाँ, बेहतर है, ना नेगेटिव नहीं है।
नेगेटिव कोई नहीं हुआ अभी। अभी उन्होंने कहा कि 7 दिन आप इसमें हम आइसोलेट रहिए, उसके बाद जांच कराइए। अब मेरे तो दोनों वो भी लग गई थी, दोनों मेरे और वाइफ के दोनों वैक्सीन भी लग गई थी। आफ्टर वैक्सीनेशन हुआ है जी हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं बिल्कुल गलत हैं, और मैन टू मैन हो सकता है कहीं कुछ हो, मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि ये डॉक्टर जो है अपना दिल जान निकाल कर रख देते हैं मरीज की जिंदगी की, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने, और जो है बहुत बढ़िया, और उनको जो है जैसे उन्होंने हमारा ध्यान रखा है ऊपर वाला उनका भी ध्यान। संतुष्ट, बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट, बहुत बढ़िया। जैसे देखा रहे हैं कि बाहर बरामदे में नहीं, हमारे यहाँ ना ऑक्सीजन की कमी हुई ना किसी मेडिसिन की कमी हुई, बिल्कुल हर समय तैयार, बहुत बढ़िया सेवाएं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए समय समय पर त्रिशूल हैंड वॉश से हाथ धोते रहें और त्रिशूल सैनिटाइज से सैनिटाइज करते रहें। त्रिशूल प्रोडक्ट अधिकतर विक्रेता देवेंद्र एजेंसी ताड़ीखाना चौक मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 8755200900।